आज कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। उस जैसे चूहे की इतनी मत, तूने तो ग्रेट खली कुलविंदर सिंह राणा को आके दिखाई। महात्मा गांधी जी ने हमें सबसे बड़ी बात क्या सिखाई? उन्होंने हमें सिखाया कि कभी भी किसी के अन्याय से मत डर, कभी किसी के अन्याय को सहन मत कर, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, पर हमें उसके सामने झुकना नहीं है, हमें उसका सामना करना है। तुम मुझे द ग्रेट खली को मुक्का मारना चाहते हैं? देखते हैं कि पहले कौन पलक झपकाता है। ऐसे तो ये लोग रविंदर को मारेंगे, मुझे टीचर लोग को बताना चाहिए। ओए, यहीं खड़ा रहे, ये तो खली पाजी सबसे पहले तेरी हड्डियां तोड़ेंगे। चल उधर जा। आपके बताए रास्ते की जीत हुई, अहिंसा ने अन्याय को झुका दिया। क्लास में तो बड़ा शेर बन रहा था, अब क्या बकरी की तरह मिमिया रहा है? आज मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू याद रखेगा। ओ रविंदर, बात तो तू बच गया, लेकिन याद रखना ये खली तुझे मच्छर की तरह मसल देगा। रविंदर चाचू आ गए। ओए, वो तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हो, कोई नई गेम है क्या? तुसी हमेशा क्यों गलत टाइम पे आ जाते हो? थोड़ी देर बाद आते तो क्या बिगड़ जाता? वो कमाल कर रहे हो, वो अभी तुम्हारे स्कूल की छुट्टी हुई है और मैं तुम्हें लेने आ गया, तो गलत टाइम कहाँ से हुआ? ओए बच्चों, ओए कभी टाइम गलत नहीं होता है, कड़ी गलत होती है। हाँ बस पापा जी माफ करो, हम समझ गए। ओए की गल होगी भाई, आपसे बात करना ही गलत है। ओए मैं चपेड़ मारनी है तन्नू, पोते दा पुत्तर। वो वैसे ना एक बात गलत नहीं है, और वो ये कि आज से ना अमृता भाभी जी ने तुम लोगों को स्कूल छोड़ने की और स्कूल से लाने की जिम्मेदारी ना मेरी लगाई है। मेरे कहने का मतलब है ड्यूटी। चलो कार चलो आओ, पढ़ाई लिखाई का काम नहीं है, पूरे दिन खेलते रहते हो खोते। अगर पापा जी बीच में ना आते तो मजा जाता। वो खली रविंदर को मार मार के उसका कचुंबर बना देता। पापा जी को सारी बात बताएं? लेकिन पापा जी तो वही थे। तू सही बात कह रहा है, एक काम करते आंटी को बताते। आंटी को बताएंगे तो रविंदर का स्कूल जाना बंद हो जाएगा और रविंदर एग्जाम में भी फेल हो जाएगा। मैं समझ गया हनुमान जी, ये सारा खेल आपने ही रचा है, इसलिए तो मुझे रविंदर से ज्यादा नंबर आएंगे। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते आंटी। ओए क्यों हो यार, तुम दोनों के चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? किसी ने कुछ कह दिया मेरे लाडलों को? आंटी जी हमें बहुत डर लग रहा है। ओए कौन डरा रहा है मेरे लाडलों को? खली। खली? लेकिन हमें नहीं, वो रविंदर को डरा रहा है।
की होया? पूरी गल दस मैनू। खली है ना, बहुत पावरफुल है, हाथी जैसा। आज उसने रविंदर को मारते मारते छोड़ा, उससे सब डरते, टीचर भी। एक बार तो रविंदर टीचर के वजह से बच गया और दूसरी बार पापा जी के वजह से, लेकिन अगली बार ना बच पाए तो। अगर पापा जी हमें लेने नहीं आते तो वो रविंदर को जरूर मारता। और खली जब ऐसा घूरता है ना, कुछ बच्चों की तो पैंट में सुसु निकल जाती है। पर ये खली किसका लड़का है? पिंड में पहले तो उसका नाम नहीं सुना। कुछ दिन पहले ही वो अपनी मम्मी के साथ पिंड में आया। उसका पूरा नाम कुलविंदर सिंह राणा है, पर उसकी ताकत की वजह से लोग उसे ग्रेट खली बुलाते हैं। अच्छा पुत्र, रविंदर का उसे झगड़ा क्यों हुआ? हमें क्या पता, हमने तो सिर्फ झगड़ा होते हुए देखा। खली बहुत ताकतवर है, राक्षस जैसा। तुम चिंता ना करो, मैं अब भी रविंदर से बात करती हूँ। सच में हनुमान जी, आपकी लीला अपरंपार है। हमें तो आज की सारी बातें ताई जी को बता देनी चाहिए। नहीं, इन छोटी छोटी बातों से मम्मी को परेशान नहीं करना चाहिए, उन्हें और भी बहुत सही झंझट है। लेकिन अगर खली ने मारपीट की तो भी ताई जी को पता तो चल ही जाएगा ना। जो हुआ ही नहीं उसे तू सोचकर क्यों परेशान हो रहा है? तो चिंता मत कर, वाहेगुरु सब ठीक कर देंगे। तुम हर बात अपनी मम्मी से छुपाओ, ये तो वाहेगुरु भी नहीं चाहेंगे। बताओ मुझे, क्यों हुआ है झगड़ा? मैं आता हूं। पुत्र, तू मुझे नहीं बताएगा तो मुझे कुछ नहीं पता चलेगा। कल मैं तेरे साथ तेरे स्कूल आ रही हूँ, मैं बात करूंगी उनसे। अगर आंटी जी चली गई तो सारा मामला टाइट फिक्स हो जाएगा। हाँ यार, हमने क्या सोचा था और क्या हो गया। लेकिन ये लोग चुप क्यों हो गए? लगता है बोल बोल के थक गए होंगे। चल बता मैनू की होया। वो अपना होमवर्क सब बच्चों से करवाता है और सबका टिफिन खा जाता है। मेरा टिफिन वो आज खाने वाला था पर मैंने उसे मना कर दिया। बस इतनी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है मम्मी। पर पुत्र, इतनी छोटी बात भी नहीं है कि ध्यान न दिया जाए। मैं कल तेरे स्कूल चल रही हूँ ना, मैं करूंगी उससे बात। मम्मा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो ठीक है पुत्र, पर वो मिक्की और टिक्की कह रहे थे कि वो सबको बहुत मारता है, बड़ा खतरनाक है वो। अंग्रेजों से ज्यादा तो नहीं ना। जब गांधी जी अपने हिम्मत और अहिंसा से लाखों अंग्रेजों को झुका सकते हैं तो मैं खली को नहीं झुका सकता? पर पुत्र, एक बार उसकी शिकायत टीचर से तो करता। मम्मी, टीचर उसे पनिशमेंट देती पर वो सुधरता नहीं, वो और गुस्सा हो जाता। बड़ा समझदार हो गया है मेरा पुत्र। पर पुत्र, ये भी तो हो सकता था कि तू शिकायत करता और वो शायद सुधर जाता, तेनु परेशान नहीं करता। मम्मा, क्या गांधी जी भी अंग्रेजों की शिकायत करते थे? पुत्र, किससे करते, राज तो अंग्रेजों का ही था। फिर भी एक बार गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड गए थे और शिकायत भी की थी, पर कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पुत्र, चोरों की शिकायत थानेदार से होती है, थानेदार की थानेदार से नहीं। अच्छा मम्मी,
जब गांधी जी अंग्रेजों के सामने नहीं झुकते थे तो फिर वो क्या करते थे? वो ये करते थे पुत्र कि सभी देशवासियों के साथ मिलकर वो अंग्रेजों के किसी काम में सहयोग नहीं करते थे। अंग्रेजों का बनाया हुआ कोई भी सामान कोई हिंदुस्तानी नहीं खरीदता था और गांधी जी के कहने पर कोई उनके कानून को नहीं मानता था और सारा देश ठप पड़ जाता था और देखते ही देखते सारे देशवासी गांधी जी के साथ हो गए और अंग्रेजों के विरुद्ध। फिर क्या था, मजबूरन अंग्रेजों को देश छोड़ना पड़ा। अंग्रेजों ने उन्हें परेशान नहीं किया? अरे पुत्र बहुत परेशान किया, सालों उन्हें जेल में बंद रखा, किसी देशवासी से नहीं मिलने देते थे, अपनी बात नहीं कहने देते थे, पर गांधी जी कहां मानने वाले थे, वो तो अपने इरादों में एकदम अटल थे। और फिर क्या हुआ, फिर हुई हमारी जीत। अच्छा सुन पुत्र, कल ना मैं तेरे नाल तेरे चाचू को भेज रही हूँ स्कूल, अब तो तू खुश। मम्मा आपको गांधी जी का बताया रास्ता सही भी लगता है और उस पे विश्वास भी है, और जब आपका पुत्र उसे आजमाना चाहता है आप उसे मना क्यों कर रहे हो? पुत्र, मम्मा प्लीज एक मौका दे दो। चल ठीक है, पर तू होशियार रहना पुत्र, और वो तेनु परेशान कर रहा है तो तू मेनू बता देना। जी मम्मी। चल ठीक है, तू अपना होमवर्क कंप्लीट कर ले। चल रविंदर, ग्रेट खली आ रहा है। इस ग्रेट खली से बचने का आइडिया है मेरे पास। क्या आइडिया है टिक्की? एक काम करो, तुम खली से माफी मांगकर उसे अपना टिफिन दे दो और उसका होमवर्क भी कर देना, फिर देखना। चिंता मत कर टिक्की, बस संभाल लूंगा। ठीक है, तेरी मर्जी, मैं तो बस तेरे भले की बात कर रहा था। उधर देख, तू तो गया। अपना टिफिन मुझे दे दे। का ऑपरेशन हुआ है क्या, तो सुनाई नहीं देता। एक स्टेंट मुस्किले की वो अपने दोनों हाथ तोड़वाना चाहता है। जब हाथ नहीं रहेंगे तो खाएगा कैसे और धोएगा कैसे? हसा बन। अब एक्शन शुरू। एक्शन। क्या करेगा? अच्छा है, आंटी से कहना कि वो मिर्च और अचार साथ में दे, मुझे तीखा बहुत पसंद है। और थोड़ा ज्यादा लाया कर यार। कल अगर लंच कम पड़ा ना तो हम तीनों का होमवर्क तू करेगा, पकड़। चलो मैं आई। कम इन मैम। कम इन। मैम मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैम आज जब मैं स्कूल में था जब भी कोई बात हो इसी तरह अपनी टीचर या प्रिंसिपल से आकर बताना चाहिए, न कि आपस में लड़ना। शाबाश, तुमने बहुत सही निर्णय लिया। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सिट डाउन। आप सब जानते कि मुझे झूठ सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए अभी आप लोग जो भी कहेंगे सब सच सच बोलोगे।
अब आप ये बताएं, क्या खली और उसके दोस्तों ने मिलकर रविंदर का टिफिन छीन कर खाया है? मैम। हाँ हाँ बोलो। बिल्कुल मत डरो, सच बोलो। जी मैंने देखा है। हल्ली ने किसी का भी टिफिन छीन कर नहीं खाया। रविंदर, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुमने मेरा वक्त ही नहीं बर्बाद किया, मेरा विश्वास भी तोड़ा। आज के बाद अगर आगे से तुमने कभी ऐसी झूठी शिकायत की, तुम इस स्कूल में नहीं रहोगे। मैम, मैंने देखा था खली को टिफिन छीनकर खाते हुए। तुम चुप रहो, अभी मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम रविंदर के दोस्त हो, इसीलिए उसका पक्ष ले रहे हो। और अगर रहोगे तो मेरी मर्जी पे चलोगे, वरना ऐसा निचोड़ूंगा कि चूसे हुए आम लोगोगे। छुट्टी के बाद देखता हूं तुम्हें। चलो। आज कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। बच्चों, आज मैं आपको देश के बारे में पढ़ाऊंगी कि देश का नागरिक होने के लिए हमें कैसे कर्तव्य निभाने हैं। खली से बचने के लिए यही एक उपाय है, उससे माफी मांग ले वरना तेरा कुचुंबर बना देगा। एक बार एक लड़के ने खली को अपना टिफिन नहीं दिया था, उसे 5 घंटे तक मुर्गा बना के रखा। ऐसे भी आज वो बहुत गर्म है। अन्याय के सामने झुकने का मतलब है उसका साथ देना, और ये काम मैं कभी नहीं करूंगा चाहे जो हो जाए। मैं वॉशरूम जाऊं? हाँ जाओ। राहुल, अरे क्या हुआ? मैं तो वॉशरूम में था, तुमने कैसे याद किया? सॉरी यार, लेकिन आज जो क्लासरूम में हुआ वो तुमने देखा? देखा भी, सुना भी और समझा भी। क्या समझा? यही कि मैंने सही हाथों में मैजिक मोबाइल दिया है। तुम चाहते तो मैजिक मोबाइल से खली को मजा चखा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, इससे हम बहुत खुश हैं। थैंक यू, पर तुम मेरी एक हेल्प करोगे? मैं छुट्टी के बाद खली से उसके पहले घर पहुंचना चाहता हूँ। जो हुकुम मेरे आका। अरे सस्रेकाल आंटी। सस्रेकाल पुत्तर। अरे तू तो सरपंच जी का बेटा है ना? जी। बोल पुत्तर, कैसे आना हुआ? वो मैं खली के स्कूल में ही पढ़ता हूँ। अच्छा, फिर तो तेरी उससे अच्छी दोस्ती हो गई होगी, है ना? दोस्ती तो है आंटी जी, लेकिन वो सबका टिफिन छीन के खाता है और अपना होमवर्क सबसे करवाता है। जो मना करता है उसे मारता भी है। क्या करूँ पुत्तर, वो तो मेरी भी नहीं सुनता। उसे ना बहुत भूख लगती है, इसीलिए वो सबसे झगड़ा करता है। तू तो बड़े जमींदार का बेटा है ना, एक काम कर, तू उसके लिए ना टिफिन ले आया कर, फिर है ना वो तुझसे भी दोस्ती कर लेगा। टिफिन लाना, उसे खाना खिलाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है आंटी जी।
लेकिन जिस तरह वो बच्चों को मारता है और परेशान करता है, ये तो गलत बात है ना। आपको उसे रोकना चाहिए। क्या करूं मैं, वो तो मेरी भी नहीं सुनता। तू मेरी सलाह मान ले पुत्र, एक होल टिफिन ले आ उसके लिए। इसी में सबकी भलाई है, बाकी तेरी मर्जी। ठीक है आंटी जी, मैं चलता हूँ। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल पुत्र।